हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो भारत का दक्षिण वाला भाग है और इसकी विशेषताएं को जानेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत, सबसे पहले अरावली पर्वत हमको ये जानना जरूरी है कि ये देखिए अरावली पर्वत कहां से कहां तक इसका विस्तार, तो ये गुजरात से लेकर के इसके कुछ भाग गुजरात में है, ज्यादातर भाग ये जो देख रहे हैं ज्यादातर भाग राजस्थान में, उसके बाद दिल्ली तक। यहाँ पे दिल्ली है, जो मैप में नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ तक इसका फैला हुआ है पूरा अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत है। लेकिन अरावली का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, तो राजस्थान में ही है। इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में ही है। तो यदि पूछा जाए कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो गुजरात से दिल्ली तक, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका राजस्थान में, ठीक है। यह एक औषधि पर्वत है। औषधि पर्वत किसको बोलते हैं, तो वह पर्वत जो बहुत प्राचीन और घिसा पीटा हो, क्योंकि बहुत पुराना पर्वत है, तो यह जल द्वारा वायु द्वारा जो है पूरा घिस गया है, ऊपर से इसका लेयर सब क्या हो गया, खत्म हो गया, और यह पर्वत बहुत छोटा हो गया है, पर्वत श्रृंखला ही है इसको बोल सकते हैं। अरावली पर्वत जो है सो ये पूरा घिसा पीटा सा हो गया है, तो एक ऐसा औषधि पर्वत है, बहुत प्राचीन पर्वत है। तो औषधि पर्वत उसको बोलते हैं जो बहुत प्राचीन हो और घिसा पीटा हो। ये जिस चट्टान से बना हुआ है उसको हम लोग धारवार का चट्टान बोलते हैं। धारवार का चट्टान, जैसे धारवार क्रम का चट्टान बहुत सारे तरह के चट्टान होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे टर्सरी चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, विंध्याचल क्रम की चट्टान, उसी तरह से यह धारवार क्रम की चट्टान से बना हुआ है। तो धारवार क्रम की चट्टान से यह बना हुआ है, लेकिन धारवार क्रम की चट्टान सबसे ज्यादा जो कर्नाटक का पठार है वहां पाया जाता है, कुछ छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। तो एक प्रकार का चट्टान है, पत्थर है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, तो जो जिससे बना हुआ है उसको हम लोग धारवार का चट्टान बोलते हैं। तो अरावली पर्वत में भी वही चट्टान पाया जाता है, धारवार क्रम का चट्टान। और ये धारवार क्रम का चट्टान जो है बहुत समृद्ध होता है, इसमें सीसा, जस्ता, सोना बहुत पाया जाता है। जैसे हम लोग कर्नाटक में जानेंगे तो कर्नाटक में जो कोल्लार का खान है वो धारवार के चट्टान से ही बना हुआ है, इसलिए वहां पर सोना बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ठीक अरावली पर्वत भी धारवार के चट्टान से बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट है कि बनास नदी इससे पार करते हैं। यहां से एक नदी है बनास, ये बनास नदी जो है वो अरावली पर्वत को बीचों बीच पार करके चली जाती है और चंबल में मिल जाती है। मैं भी बताऊंगा चंबल नदी, ये वाला जो मैं इसको राउंड कर रहा हूं ब्लैक कलर का, ये हमारा मालवा का पठार है। ये जो ब्लैक कलर का मैं राउंड किया ये मालवा का पठार है, और इसे दो नदियां निकलती है। एक तो मैंने ये बताया ये चंबल नदी, ये गंगा है, इधर से आई यमुना। मैं इसको क्लियर करके बता दे रहा हूं आपको फिर से। जैसे ये हमारा पूरा मालवा का पठार है, एकदम फिगर को ध्यान में रखिए, पूरा ये अरावली पर्वत है और ये विंध्याचल पर्वत है, इसी के बीच के क्षेत्र को हम लोग मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। और यही मालवा के पठार से तीन नदियां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये गंगा नदी ड्रॉ कर ले रहा हूं ब्लू पेन से। ये गंगा नदी ये बहती हुई सीधे चली जाती है कहां पे, ये बीचों बीच जाती है, सॉरी ये बीचों बीच जाती है बिहार के और फिर बंगाल होते हुए कहां चली जाती है, खाड़ी में। यहीं पे एक यमुना नदी भी आती है और ये सीधे कहां मिलती है, इलाहाबाद में। यहां से प्रायद्वीपीय पठार से दो नदी निकलती है, चंबल, ये चंबल नदी है, और इधर से फिर निकलती है एक और जस्ट इसी के पास से बेतवा, और यही चंबल नदी में बनास जाके मिल जाती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि ये बनास नदी जो है वो अरावली पर्वत को ही पार करके जाती है। ये जो बनास नदी मैं जिस पे पेन ड्रॉ कर रहा हूं, बनास नदी है वो अरावली पर्वत को पार करके जाके चंबल में मिल जाती है, और वो चंबल जाके इस यमुना में मिल जाती है। ये हमारा यमुना नदी है। ऐसे मैं नदी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक दिमाग में ये मैप होना चाहिए कि किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। तो मैंने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, बनास नदी से पार करते। पांचवा, ऊंची चोटी। यदि अरावली पर्वत का ऊंची चोटी पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहां पे है, तो माउंट अबू के पास है, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, माउंट अबू। तो माउंट अबू के पास जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, और यही माउंट अबू के पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यही बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमने पांच पॉइंट जाने अरावली पर्वत से। सबसे पहला, यह गुजरात से दिल्ली तक विस्तार है और सबसे ज्यादा इसका हिस्सा राजस्थान में है। यह एक औषधि पर्वत है, औषधि मतलब बहुत पुराना घिसा पीटा पर्वत है, एक औषधि का समान रह गया बचा हुआ भाग जो उसको हम लोग औषधि बोलते हैं, इसलिए इसको औषधि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें तीन भाग पढ़ेंगे, औषधि, ब्लॉक पर्वत, तो उसमें हम लोग जानेंगे। धारवार क्रम के चट्टान से बना हुआ है, बनास नदी इसको पार करती है, तो बनास नदी जाके किससे मिलती है, तो यही मालवा के पठार से चंबल नदी जाती है उसमें यह बनास नदी मिल जाती है। ये चंबल नदी ऐसे गई, बनास नदी धरा के मिल गई, ये मैप आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पे, तो माउंट अबू के पास है, और यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स करके रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं मालवा के पठार के बारे में।
ये हमारा मालवा का पठार है। तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं लाया हूँ, हर एक क्षेत्र को जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, पहाड़ी है, इस सबको मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक का है? तो ये अरावली पर्वत और ये विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है उसको मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। मालवा का पठार एक ज्वाला निर्मित पठार है, मतलब यहाँ पे क्या था, ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी से मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा जो हम लोग तरल पदार्थ होता है वो बाहर निकल के जम जाता है, और जमने के बाद जैसे ये मैग्मा निकला यहाँ पे जम गया, और ये जमने के बाद क्या होता है, ये आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान जो बनता है उसी से, उसी का अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो जितना भी ये क्षेत्र है मालवा के पठार का, सब काली मिट्टी से बना हुआ है और आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। आग्नेय चट्टान से किस लिए? क्योंकि यहाँ पे पहले ज्वालामुखी था, उससे मैग्मा निकला, और यही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं लावा है, और यही लावा जमने के बाद आग्नेय चट्टान बन जाता है, और आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी बनती है। तो ये जो मालवा का पठार है पूरा कैसा है, लावा निर्मित है, काली मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था मालवा का पठार। अरावली तो मैंने बता दिया कि अरावली और विंध्याचल के बीच में है। चंबल, बेतवा और काली सिंध, यहां से मैंने अभी बताया कि तीन नदियां मालवा के पठार से निकलती है। कौन कौन सा, तो मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूं। एक निकलती है चंबल, एक निकलती है चंबल, एक निकलती है बेतवा, और एक काली सिंध नदी आती है जो चंबल की सहायक नदी है। सबसे पहले मैंने ये बनाया चंबल, ये बेतवा, जाके किसमें मिलती है तो याद रखिएगा यमुना में मिलती है। यमुना में मैं फिगर क्लियर कर दे रहा हूं, ये गंगा है, इधर से यमुना आई, इधर से कौन गया चंबल, फिर इधर से गई बेतवा, और इधर से एक और काली सिंध जो कि चंबल में ही जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर बनास नदी, ये भी चंबल में जाके मिलती है। तो ये सारे फिगर आपको ध्यान में होना चाहिए, पहले बनास नदी आके मिली चंबल में, फिर काली सिंध आके मिली चंबल में, और फिर चंबल जाके मिल गई यमुना में, और फिर इधर से बेतवा नदी ये भी जाके मिल गई यमुना में, ठीक है, और फिर यमुना जाके मिल गई गंगा में। तो ये सारे फिगर आपको दिमाग में होने चाहिए, ऐसे मैं जब रिवर चैप्टर लाऊंगा तो उसमें बहुत विस्तार से रिवर के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी एक मैप में, मैप दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी, तो किसकी सहायक नदी हुई है, ये सब यमुना की सहायक नदी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय पठार होता है या फिर पठारी भाग जो होता है वो तो जमीनी तल से लगभग समुद्री तल से लगभग 1000 मीटर ऊंचा होता है औसतन। तो पठार तो ऊपर से कैसा भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर नदियों द्वारा काट छाट किया गया हो, या हो सकता है ऊपर से पूरा प्लेन हो। तो मालवा का पठार है वो ऊपर से पूरा कटा हुआ है, कटा हुआ क्षेत्र है, मतलब वहां पे बहुत नाली के समान कटा हुआ स्ट्रक्चर सब बना हुआ है। नदी द्वारा जो चंबल नदी है उसको काट दिया पठार को, और काट काट के एक नाली के समान बहुत सारा स्ट्रक्चर बना दी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मालवा का पठार में अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है। अवनालिका अपरदन मतलब क्या हुआ, जो नदियों द्वारा काटा गया क्षेत्र होता है, नदी में जो बल होता है उससे वो पहाड़ों पठारों को काटते हुए, पत्थरों को काटते हुए निकल जाते हैं, वही निकलने कारण बहुत बड़ा बड़ा जो रास्ता बन जाता है उसी को हम लोग अपरदन बोलते हैं, और वहीं से नदियां गुजरती है तो रास्ता बनाते हुए चलती है, और ये जो रास्ता बनाई वो एक नाली के समान है, इसलिए हम लोग इसको अवनालिका अपरदन बोलते हैं। तो भारत में एकमात्र ऐसा जगह है मालवा का पठार जहां अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है। मैं आपको इसका फिगर दिखा दे रहा हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, नदी द्वारा काटा गया ही रास्ता है, ये पूरा पठारी क्षेत्र है और ये नदी द्वारा काटा गया रास्ता, इस तरह से देखा इधर से भी नदी द्वारा काटा गया रास्ता, ये भी नदी द्वारा काटा गया रास्ता। तो जो मालवा का पठार है वहां पर बहुत ऐसे कटे हुए क्षेत्र मिलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं अवनालिका अपरदन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अवनालिका अपरदन कहां देखने को मिलता है, तो मालवा के पठार में अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है, भारत के एकमात्र ऐसा जगह से, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट जाने, सबसे पहले अरावली से विंध्याचल के बीच एक लावा निर्मित पठार है, चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी वहां से निकलती है, और भी कई नदियां निकलती है लेकिन मुख्यतः हम लोग तीन नदी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, अवनालिका अपरदन। और ये जो मालवा का पठार है आपको पता होगा कि पठार से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो पठार से हम लोग खनिज की प्राप्ति करते हैं। तो मालवा का जो पठार है उसका ज्यादातर क्षेत्र आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश में आता है, और इसी से हम लोग तांबे की प्राप्ति करते हैं। राजस्थान में भी एक क्षेत्र है याद रखिएगा खेतरी, जो कि तांबे के लिए ही जाना जाता है। तो मालवा के पठार से तांबे की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है, जो खेतरी देखते हैं राजस्थान में ये तांबे के लिए फेमस है। ढाल उत्तर की तरफ, ढाल देखिए, ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को, इससे हम लोग को मैप का आइडिया मिलता है। जैसे गंगा नदी इधर से आती है और सीधे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, क्यों, क्योंकि मैदान, ये जो मैदानी भाग है, ये वाला कैसा भाग है, ये मैदानी भाग है, मैदानी भाग है, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये मैदानी भाग है भारत का, इसके नीचे का पठारीय भाग है, ये आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है उसको आप देख लीजिएगा उसमें समझ में आ जाएगा। तो जो नदी का ढाल होता है वो क्या बताता है, जो जिस तरफ नदी बहता है वो जमीन का उसी तरफ ढाल होता है। तो ठीक इसी तरह ये जो हमारा पठारीय भाग है, पठारीय भाग इतना हम लोग का क्या पठारीय भाग है ये वाला,
तो नदी किधर से किधर बहती है, मैं ब्लू कलर के पेन से बना रहा हूं, नदी चंबल नदी इधर की ओर बह जाती है, बेतवा नदी इधर से बहती है, काली सिंध नदी, सारा की सारी नदी किधर बह रही है, सब बह रही है उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार का इधर वाला हिस्सा यदि हम लोग देखें, ये वाला हिस्सा, तो इसका ढाल किधर है, इस तरफ है, किस तरफ, इस तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ है। तो कभी क्वेश्चन भी आ जाएगा कि ढाल किस तरफ है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व की तरफ है, क्यों, क्योंकि जो भी नदियां इधर से निकलती है वो सारे जाके उत्तर पूर्व की तरफ चलती है और जाके यमुना में मिल जाती है। तो इतना हमने मालवा के पठार के बारे में जाना। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, विंध्याचल सतपुरा सबके बारे में जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखिए कहां से कहां तक, यदि आपको पूछा जाए तो इसका भी कुछ हिस्सा गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, और फिर जाके थोड़ा सा यूपी में बोल सकते हैं कि चला गया, लेकिन मुख्यतः जी देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, मेनली कहां पे, मध्य प्रदेश में है। इसका कुछ एरिया देखिए यूपी बिहार यहां के सासाराम तक भी चला जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये कई भाग में टूटा हुआ है, कुछ भाग तो गुजरात में हल्का सा, मध्य प्रदेश में ये वाला भाग है, फिर यहां पे बीच में गैप है, और यहां पे इसी का टुकड़ा जो है इसको हम लोग भांडेर और इसको हम लोग कैमूर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमूर, कैमूर के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग भांडेर के नाम से जानते हैं। तो जो भांडेर पर्वत श्रेणी है और कैमूर पर्वत श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत का ही, विंध्याचल पर्वत नहीं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। बहुत सारे पर्वत जब एक क्रम में होते हैं तो उसको हम लोग पर्वत श्रेणी बोलते हैं, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसी का हिस्सा है ये भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत, जिसका विस्तार पूरा बिहार तक है। इसी के दक्षिण में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जो है सो कहां से बहती है, इसी के जस्ट दक्षिण में, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये ब्लैक वाला, और ये जो ब्लू वाला है वो नर्मदा नदी है, और ये फिर कौन सा, ये सतपुरा पर्वत है, ये सतपुरा पर्वत है, ये भी फैला हुआ है, मैं आगे बताऊंगा। तो विंध्याचल के दक्षिण में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, और ये जाके कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। ये खंभात की खाड़ी है, ये वाला जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी बोलते हैं, जो मैंने पेंट किया ब्लैक कलर का, ये खंभात की खाड़ी है, तो यहीं पे जाके गिरती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी नदी है, भ्रंश किसको बोलते हैं, जैसे यदि हमारा ये क्षेत्र हुआ, ये हमारा क्षेत्र हुआ, कोई प्लेन सपाट क्षेत्र या फिर पठारीय क्षेत्र है, नदी क्या करेगी, नदी इसको काट देगी, जैसे इधर से नदी बहती आई तो नदी इसको काट देगी, मैं फिगर बता रहा हूं आपको, तो ये फिगर जो है मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पहले प्लेन था, पहले ये पूरा यहां तक था, इस तरह से पूरा था, लेकिन जब नदियां बही तो ये क्या, इस जगह को काट दी, और काटने के बाद ये घाटी के समान बन गया, तो ऐसे ही पूरा करके ये काटते हुए नदियां चली आई है। तो नर्मदा नदी भी जो है सो वो क्या है, भ्रंश घाटी है, यहां पर काटा हुआ क्षेत्र है, ये जो मैं ब्लू कलर से क्लियरली बना दे रहा हूं, इसी हमारी नर्मदा नदी है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये नदी द्वारा काट दिया गया है, यहां पर बहुत गड्ढा है, काट दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग भ्रंश घाटी नदी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ, कटा हुआ है, जो यहाँ पर पहले पठार था लेकिन पठार को काट दिया है, और तब नदियां बहती हुई चले आगे खंभात की खाड़ी या फिर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक इसी तरह से तापी नदी भी इधर आती है, तो तापी नदी भी इसी तरह आती है, तो ये भी भ्रंश घाटी नदी, ये भी इस क्षेत्र को क्या हुआ, काटा हुआ है, इस तरफ काटा हुआ है, तो इसी को हम लोग भ्रंश घाटी नदी इसलिए बोलते हैं। तो आप जो देखेंगे कि पश्चिम की तरफ दो नदी, नर्मदा और तापी, ये दोनों भ्रंश घाटी नदी है। भ्रंश घाटी क्यों, क्योंकि ये पत्थरों को काटते हुए बहती हुई चली आई है और तब जाके गिरी है। और सब नदियां को तो काम ही है कि पत्थरों को रास्ते में जो है चट्टानों को काटते हुए बहते हुए लेके जाके बिछाते चलना, तो यहां पर भी जो पठारीय भाग है उसको काटते हुए जाके ये गिरा दी है, इसलिए दोनों को भ्रंश घाटी नदी बोलते हैं। एक और नदी हम लोग पढ़ेंगे दामोदर, जो कि पूरब में बहने वाली भ्रंश घाटी नदी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हम लोग विस्तार कहां से कहां तक था, तो गुजरात से आप बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश थोड़ा गुजरात में भी है और बिहार के सासाराम तक ये चला जाता है, तभी बिहार के जो ये क्षेत्र है सासाराम वहां तक देखिएगा तो कुछ हम लोग को खनिज भी मिल जाते हैं। हालांकि छोटा नागपुर का पठार भी कुछ बिहार में इसका हिस्सा है, वहां पर भी हम लोग खनिज पा जाते हैं, जो बिहार का पूरा दक्षिण वाला जिला है उस सब में, तो ये बात हम लोग को मैप से अच्छी तरह समझ में आता है। नेक्स्ट पूर्व में भंडार पहाड़ी और कैमूरिया में बता चुका हूँ, दक्षिण में नर्मदा नदी है, बता दिया कैसे नदी है, तो भ्रंश काटी नदी है। कहाँ कहाँ बहती है, तो ये हमारा विंध्याचल है और ये हमारा सतपुरा है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में बहती है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल होप, गुडविल होप या फिर गुडविल के नाम से जानते हैं किसको, इसी ऊंची शिखर को, सद्भावना शिखर को, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची शिखर क्या है, सद्भावना शिखर बोलते हैं, ठीक है। भारत का बीचों बीच बांटता है
ये जो हमारा विंध्याचल पर्वत है ये हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बीचों बीच बांट देता है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो भारत के बीच में स्थित है। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो भारत को उत्तर और दक्षिण इस दोनों को बीचों बीच बांट देता है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार और इसके बारे में विभिन्न बातें। अब हम लोग आते हैं सतपुरा के बारे में जानते हैं। सतपुरा ये एक ब्लॉक पर्वत है। जैसे मैंने कि बताया कि अरावली पर्वत कैसा था, तो एक औषाधि पर्वत था, बहुत घिसा पीटा, बहुत प्राचीन पर्वत है, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। लेकिन सतपुरा जो है वो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता था मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। ब्लॉक पर्वत जैसे ये कोई क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र, ठीक है। अब यहां से यदि मैं ये काट के हटा दूं, ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, ये मैं काट के हटा दूं और इसको काट के हटाने के बाद छोड़ दूं, इधर से भी काट दूं, ठीक है, और इस दोनों को काट के हटा के नीचे ले आऊं, इस दोनों को काट के हटा के नीचे ले आऊं, तब जाके कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये ऊपर से ब्लू वाला रह गया, सॉरी यहां पे बना दे रहा हूं, ये इधर से ब्लू वाला रह गया और मैं ब्लैक वाला जो कटा हुआ भाग है उसको बना रहा हूं। ये तो अब आप देखने में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये उठा हुआ भाग जो है, ये वाला जो उठा हुआ भाग है, ऐसा लग रहा है कि पर्वत के समान बन गया, ये पर्वत के समान बन गया। हालांकि ये ऊंचा चोटी था नहीं, ये ऊंचा चोटी इसलिए बन गया क्योंकि साइड वाला जो हिस्सा था वो कट के नीचे आ गया, ये दोनों हिस्सा कट के नीचे आ गया। तो जो पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से होता है उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। मतलब वो ऊंचा चोटी था नहीं, लेकिन ये दोनों साइड वाले जो जगह थे वो नीचे चले आए धंस के, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाला भी क्या ऊंची चोटी है। तो ऐसे ही जो जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो सतपुरा भी वैसे ही है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी बताया गड्ढा होता है, बहुत बड़ा बड़ा नदी द्वारा काटा गया, तो इधर भी गड्ढा है। नर्मदा नदी का जो भ्रंश घाटी है, इधर भी ताप्ती नदी का जो भ्रंश घाटी है, तो इधर धंसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन ये धंसने के कारण क्या हो, सतपुरा जो श्रेणी है वो अपने आप उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए कैसा पर्वत है, तो एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत आप समझ गए होंगे, ऐसे ही हम लोग को पर्वत चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट, इसका विस्तार कहां से कहां तक, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, यूपी में भी पड़ जाता है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ पड़ जाता है। देखा जाए किसका, तो सतपुरा रेंज का, सॉरी यूपी में नहीं पड़ता है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। यूपी में कौन सा चला जाता है, तो ये विंध्याचल जाता है ना, सतपुरा, ठीक है, इसको आप कट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है सतपुरा का, ठीक है, कुछ हिस्सा बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी है। तो सतपुरा का जो विस्तार है वो यूपी में नहीं, कहां से कहां, मध्य प्रदेश में और कुछ जाकर छत्तीसगढ़ में है। इसको यदि हम लोग देखेंगे तो इसके भी उत्तर, ये उत्तर वाला भाग आपको पता होगा ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो उत्तर में है कौन सी नदी, नर्मदा, और दक्षिण में कौन सी, ताप्ती नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसी नदी, भ्रंश घाटी नदी, मैं बता चुका हूं। ये जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है ये भी कई हिस्सा में बटा हुआ है, ये भी श्रेणी है। एक ये वाला देख रहे हैं, एक ये वाला देख रहे हैं, एक ये वाला देख रहे हैं। इसको लोग राजपीपला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजपीपला के नाम से जानते हैं। सतपुरा का जो सबसे पश्चिम वाला भाग है उसको राजपीपला के नाम से। फिर महादेव पहाड़ी, ये भी सतपुरा का ही हिस्सा है, और मैकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत, ये सब सतपुरा पर्वत श्रेणी के ही हिस्से हैं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, और ये मैकाल जो है वो कुछ छत्तीसगढ़ में चला जाता है हल्का सा। और यहीं से दो नदियां निकलती है, आपको पता होगा, सोन नदी जो कि जाके गंगा में मिल जाती है, ये गंगा नदी है, और एक और निकलती है नदी, नर्मदा नदी, जो मैंने बताया भ्रंश घाटी नदी है, ये भी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। तो अमरकंटक जो कि सतपुरा का हिस्सा है, वहां से दो नदियां, एक इधर चली गई सोन नदी जो जाके मिल गई गंगा में, एक नर्मदा नदी जो जाके गिर गई खंबा की खाड़ी में या फिर अरब सागर में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का, देखिए हर एक पर्वत श्रेणी का कोई ना कोई ऊंचा चोटी होता ही है। तो जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहां पे है, तो पंचमढ़ी स्थान पे है, यहीं पे एक हिल स्टेशन भी है पंचमढ़ी, इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है पंचमढ़ी। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ी, ठीक है, और कहां पे, तो पंचमढ़ी के पास है, वहां पे हिल स्टेशन भी है। और इसी का हिस्सा जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखिएगा, ये मैकाल पर्वत श्रेणी, इसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ये अमरकंटक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं से दो नदियां, अमरकंटक की चोटी के पास से ही दो नदियां, कौन कौन सी, तो नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स डाल रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं,
ब्लॉक पर्वत है कौन सा, सतपुरा पर्वत सुनिए, ब्लॉक पर्वत है क्यू, क्योंकि दोनों तरफ से भ्रंश घाटी और ये धसा हुआ भाग है दोनों तरफ से, ये हमारा सतपुरा पर्वत सुनिए, इधर से भ्रंश घाटी है, तो ये जो दोनों धसा हुआ भाग है इसी कारण ये उठा हुआ प्रतीत होता है, ये वाला भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये सतपुरा पर्वत सुनी हुआ। इसके दक्षिण में मैंने बता दिया ये हमारा सतपुरा पर्वत सुनिए, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी और उत्तर में नर्मदा नदी, इसी का भाग है मैकाल पर्वत सुनिए जिसका सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। देखिए मैंने प्रायद्वीपीय पठार को पूरा रखा है, जितने पर्वत हैं नदियां हैं, नदी का तो खैर अलग से टॉपिक होगा लेकिन फिर भी आपको अभी से पता होना चाहिए तो आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार कहां से कहां था तो ध्यान रखिए, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पर है। कौन सा? दंडकारण्य का पठार, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं दंडकारण्य का पठार है, और ठीक इसी के दक्षिण में ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे बस्तर का पठार है। ठीक है, मैंने पॉइंट किया दंडकारण्य का पठार और इसके जस्ट नीचे बस्तर का पठार जो कि मेनली छत्तीसगढ़ के एरिया में ही है। यही बस्तर का जो पठार है वो टीन के लिए जाना जाता है, टीन बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है टीन का, तो बस्तर के पठार से जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, ये टीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां से नदियां निकलती है, कौन सी नदी? तो महानदी जो छत्तीसगढ़ होते हुए, मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा से होते हुए सीधे जाकर गिर जाती है कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा नदी के बगल वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। बेसिन, ये जो नदी के जस्ट बगल वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग बेसिन बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र। जैसे यदि ये हमारा नदी हुआ तो इसके बगल का क्षेत्र को हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो महानदी का जो बेसिन है, महानदी का जो ये वाला बेसिन वाला क्षेत्र है, ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छे से होती है, मतलब चावल की खेती, धान से तो चावल मिलते हैं ना और भी प्रोडक्ट बनते हैं उससे, लेकिन धान की खेती सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? यही महानदी का जो बेसिन है वहां पे, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, धान का कटोरा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। तो क्यों? क्योंकि महानदी बेसिन है, वो धान के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, फिर चावल बोल सकते हैं, उसी से तो बनता है ना। नेक्स्ट आते हैं धारवाड़ का पठार। मैंने अभी बताया ये हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है, ये कौन सा चट्टान से बना हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना हुआ है। ये कर्नाटक का पठार है, ये भी धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा धारवाड़ क्रम का चट्टान इस कर्नाटक क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसलिए कर्नाटक के पठार को हम लोग धारवाड़ के पठार के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे समृद्ध पठार भी होता है। और याद रखिए कि इसी के पास ब्रह्मगिरी स्थान है, वहां से कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी याद रखिएगा। तो ये धारवाड़ का जो पठार है उसी पे एक ब्रह्मगिरी स्थान है जहां से कावेरी नदी निकलती है। आपको पता होगा कावेरी जल विवाद जो कि किस किस में चलता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ये कावेरी जल विवाद चलता है, आपको पता होगा, ये हम लोग को पढ़ना भी है। तो कावेरी नदी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी से निकलती है जो धारवाड़ के पठार पे है। कुंद्रेमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंद्रेमुख ये जस्ट तटीय वाला भाग है, ऊंची चोटी है, कुंद्रेमुख ऊंची चोटी है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पश्चिमी घाट है इसका उत्तर को हम लोग उत्तरी हिमाद्री बोलते हैं और दक्षिण वाला भाग को हम लोग दक्षिणी हिमाद्री बोलते हैं। ये जो दक्षिण वाला भाग हुआ इसको हम लोग दक्षिणी हिमाद्री, उत्तर वाला भाग हुआ इसको हम लोग उत्तरी हिमाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कुंद्रेमुख है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी, कुंद्रेमुख है, कभी कभी एग्जाम में कुंद्रेमुख नहीं देके आपको महाबलेश्वर दे देगा। ये महाराष्ट्र में है, ये हम आगे पढ़ाएंगे जब हम दक्कन का पठार पढ़ाएंगे तब। तो यदि पूछा जाए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी तो कुंद्रेमुख है, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, महाबलेश्वर देगा, तो आप उसको लगाइएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने जाने दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट टू भी आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका और एक पार्ट आएगा जिस नेक्स्ट पार्ट में मैंने सारा पूर्वी तट और जो ऊंची चोटी और पहाड़ियां हैं उसके बारे में बताया है। इतना सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और याद रखिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।